नमस्कार। आज बनाएंगे आलू का नमकीन। आलू का नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले इसे छिलकों को निकाल देंगे और निकालने के बाद तुरंत पानी में डाल देना है। आलू छील लिया है, अभी इसको कद्दूकस करेंगे। ये बड़ा वाला जाली रहेगा, इससे हम लोग कद्दूकस करेंगे आलू। सारे आलुओं को कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। अब इसको 5-6 पानी से धोना है, जब तक इसका स्टार्च निकल ना जाए। ये देखिए पानी इस तरीके से साफ होना चाहिए। पूरे पानी को मैंने छान लिया है। अभी ऐसे टॉवल लेंगे, साफ टॉवल, और पूरा आलू ऐसे बिछा देंगे ताकि इसका जो भी पानी है वो टॉवल सोख ले। इस तरीके से पोंछ भी सकते हैं। पांच मिनट के लिए इसको फैला देते हैं, पानी पूरा सूख जाएगा। आलू पूरा सूख गया है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सारा इस तरीके से। अभी गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गरम करेंगे। चेक करते हैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल अच्छा गरम हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा आलू डालेंगे इसमें। गुमपी हो गया है, अभी इसको निकालेंगे। आलू और शेंगदाना दोनों तल गया है अच्छे से, आलू तल अच्छे। अभी इसमें डालेंगे नमक। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सीना नमक है व्रत का, और डालेंगे काली मिर्च। तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। अभी गैस ऑन करेंगे, गैस के ऊपर एक थोड़ा सा कलछुल रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस थोड़ा सा ही चम्मच तेल डाल करेंगे। और ये कटी हुई चार मिर्ची है, हरी मिर्च। मिर्ची को लाल करेंगे, लाल हो गया है। अब इसको डाल देंगे नमकीन के ऊपर, ये नमकीन में तीखापन आ जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा बहुत। ये देखिए नमकीन बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये देखिए
नमकीन बनके तैयार है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, खाने में बहुत टेस्टी है। प्लीज़ ट्राई दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।